जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के टेस्ट नंबर 39 का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए टेस्ट नंबर 39 जो है उसका टॉपिक था पोषण, विटामिन और रोग। इन तीनों से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है आज के टेस्ट में पूछा गया है। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सोयाबीन। देखिए प्रोटीन के अन्य स्रोत भी होते हैं जैसे कि दूध होते हैं, अंडा, बादाम, दाल, पनीर, मांस, मछली और अंडे की जर्दी। ये जो है प्रोटीन के जो है स्रोत है, लेकिन सबसे जो है अधिकतम बोला गया है तो आपको आंसर देना है सोयाबीन। अगर बात करें हम प्रोटीन की कार्य की तो देखिए प्रोटीन का कार्य क्या है, ये जो क्या करता है तो कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत का जो है कार्य करता है। क्या करता है, कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य करते हैं और ये जो है एंटीबॉडीज के रूप में जो है शरीर की जो है सुरक्षा भी करता है। और इसके अलावा ये क्या कार्य करते हैं तो ये जो है हार्मोन के संश्लेषण में जो है भाग लेते हैं। अगर बात करें प्रोटीन की संरचना तो देखिए प्रोटीन की संरचना जो हुई है वो जो है 20 अमीनो अम्ल के संयोग से हुई है। कितनी, तो आपको याद रखना है 20 अमीनो अम्ल की जो है संयोग से हुई है, यानी कि मिलने से हुई है। अगर बात करें कि ये प्रोटीन शब्द जो है सर्वप्रथम जो है किसने जो है दिया था तो आपको आंसर ये भी याद रखना है कि जे बर्जिलियस ने यह जो है ये शब्द जो है प्रोटीन शब्द दिया था। और अगर बोले कि कब दिया था तो 1938 ईस्वी में। कब, 1938 ईस्वी में। तो देखिए अगर बात करें प्रोटीन की तो मानव शरीर का 15% जो भाग है वो जो है प्रोटीन की है। अगर बात करें कि इसकी कमी से क्या होता है तो देखिए इसकी कमी से शिशुओं में जो है सूखा रोग हो जाता है। अब सूखा रोग का नाम क्या, तो मेरास्मस जो है रोग हो जाता है और जो क्वासिक्योर नामक जो है रोग हो जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत छोटा है और पतला है, हड्डी दिखता रहता है शरीर में, तो उसे जो है क्वासिक्योर नामक जो है रोग कहा जाता है। और अगर बात करें कि प्रोटीन कितने प्रकार की होते हैं तो देखिए प्रोटीन जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इतने जो है चीज़ों फैक्ट जो है आपको जो याद रखना है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा चावल, क्योंकि चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है होता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो सूत्र है, इसकी जो संरचना है उसमें जो कार्बन जो है उपस्थित होते, इसलिए जो है हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। और अगर बात करें तो यह जो है ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। क्या है, तो ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। और अगर बात करें कि यह जो शरीर में जो है कितनी जो है ऊर्जा जो है आपूर्ति करती है, तो देखिए यह जो है कार्बोहाइड्रेट शरीर के कुल ऊर्जा का 50 से 79% जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही जो है ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की तो देखिए इसके अलावा जो है चावल के अलावा जो है गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, अरबी और मांस आदि में जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित रोग की, तो इसकी कमी से जो है शरीर का जो वजन जो है कम हो जाता है, मतलब घट जाता है उसका वजन। और जब वजन घटता है तो इससे जो है कार्य करने की क्षमता भी जो है इसकी जो है घट जाती है। और अगर बात कर दे अगर ज़्यादा हो जाएगा शरीर में तो क्या होगा, तो देखिए जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगा तब देखिए शिथिल हो जाएगा आदमी जो है, वजन हो जाएगा, तो आदमी के जो है वजन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और जैसे ही वृद्धि होगा तो मोटापा रोग हो जाएगा। तो इतने चीज जो है आपको जो याद रखना। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है वसा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं वसा के बारे में, तो देखिए वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की तरह ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। परंतु क्या है इसमें, गौर करिए, परंतु इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम है। मतलब सारा चीज है लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा जो कार्बोहाइड्रेट से जो है कम है। अगर बात करें वसा की तो देखिए जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वसा जो है ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पर वह द्रव अवस्था में ही है तो समझिए कि यह जो है तेल है। क्या है, यह जो है तेल हो गया है। अगर बात करें कि इससे हमें क्या फायदा है वसा से, तो देखिए ये जो शरीर के अंगों को जो है चोट से बचाती है। क्या, चोट लगने से जो बचाती है। और दूसरी बात, अगर इसका सेवन कीजिएगा तो खाद्य पदार्थ में जो स्वाद उत्पन्न होता है,
खाने में जो अच्छा लगेगा, और इसके अलावा जो है यह जो है शरीर में जो है ऊर्जा प्रदान करती है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए इससे उत्पन्न होने वाले रोग, तो देखिए इसकी कमी से जो है क्या होता है, त्वचा जो है रूखी हो जाती है और वजन में जो है कमी आ जाती है, और इससे क्या होता है तो शरीर का विकास रुक जाता है। तो तीन चीज़ आपको याद रखना है, इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी होती है, और शरीर का जो है विकास रुक जाता है। और अगर बात करें कि अगर वसा जो ज़्यादा हो जाएगा शरीर में तो क्या होगा, तो देखिए वसा जब ज़्यादा होगा, अधिकता होगी, तो शरीर जो है क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, और उसे जो है हृदय संबंधी जो है रोग हो जाएगा। उसका जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा, हाई हो जाएगा, रक्तचाप उसका जो है बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है यह जो है सारे चीज़ जो जितने भी है आपको जो लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा अगर है शरीर में तो भी हानिकारक है, और अगर कम है तो वो भी हानिकारक है। अब देखिए अब बात कर ले तो वसा के स्रोत कौन कौन से है, किस किन चीज़ों से जो है वसा की प्राप्ति होती है। तो देखिए दूध से, मांस से, मछली से, मक्खन से, मूंगफली के तेल से और घी से। और वसा की अगर बात करें तो यह जो दो प्रकार के आते हैं, ये सारे जो स्रोत है ये भी जो है दो प्रकार के आते हैं, सारे इसमें मिक्स कर दिए हुए हैं। एक तो होता है जंतु वसा और दूसरा होता है वनस्पति वसा। अब जंतु वसा क्या होता है, तो वैसे वसा जो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मछली हुआ, मांस हुआ, ये सब जो जंतु, दूध हुआ, ये सब जो जंतु से, और वनस्पति क्या, तो जितने भी जो वनस्पति चीज पेड़ पौधा से हमें जो प्राप्त होता है, जैसे अखरोट हुआ, बादाम का तेल हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, इटीसी, ये सारे जो है क्या होते हैं, तो वनस्पति वसा होते हैं। तो इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें जो प्रचुर मात्रा में होती है, बोल रहे हैं कि क्या होती है, तो उसमें जो है क्या होती है, तो उसमें जो प्रोटीन होती है, और हम प्रोटीन के बारे में बता दिए, अगर ज़्यादा बताएंगे तो क्या होगा, तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है चलते हम अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा विटामिन का। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। देखिए अब बात कर लेते हैं विटामिन से संबंधित। देखिए विटामिन का जो आविष्कार है 1911 में किया था, कितने में, 1911 में, और किसने, तो फंक ने ही। और अगर बात करके विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए विटामिन को जो दो भागों में बांटा गया है, पहला जो होता है वह जो है उसे नाम दिया गया जल में घुलनशील विटामिन। क्या, जल में घुलनशील विटामिन, जो जल में घुल जाए, तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन होते हैं, तो बी और सी जो होते हैं वह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील वाले विटामिन कौन होते हैं, ए डी ई के। मतलब टोटल जो विटामिन कितने होते हैं, तो ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं। ई तक तो आप सेम है, देख लीजिए ए बी सी डी ई, और उसके बाद आपको सिर्फ जो के जो है आपको जो है लगाना है। तो इतने जो टोटल होते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए के रासायनिक सूत्र की। तो देखिए विटामिन ए के रासायनिक सूत्र जो है होता है C20H29OH, और इसे जो है इसका रासायनिक नाम जो है क्या कहा जाता है, इसे एक्सेरोफाइंटाइल कहा जाता है। और अगर बात करें कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रोटोंधी नामक रोग होता है। और जो इसकी अगर स्रोत की बात करें कि कहां से इसकी प्राप्ति होती है, तो देखिए यह जो गाजर में सबसे ज़्यादा होता है, गाजर, सब्जी हुआ, मछली, यकृत तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी और दूध और पनीर, इन सभी में जो विटामिन ए की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे विटामिन हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जितने भी है, ए विटामिन, बी, बी में जितने भी विटामिन है, सी और डी और ई और के विटामिन, आप जो है देख लीजिएगा। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, बोल रहा है कि एचआईवी के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा एड्स। अब देखिए एड्स के बारे में बताते हैं। एड्स जो है विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा, विषाणु जनित रोग, जिसे जो वायरस कहते हैं, जैसे अभी COVID-19 में क्या हुआ, कोरोना वायरस, तो वैसे ही जो है यह भी जो विषाणु होता है, और उसका नाम क्या है, जैसे COVID-19 में, जैसे कोरोना में क्या नाम है, तो COVID-19, तो वैसे ही जो इस वायरस का नाम क्या है, HIV है। और यही से क्वेश्चन पूछते हैं कि HIV के द्वारा होने वाला जो रोग क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, तो एड्स देना है। अब बात कर लेते हैं आखिर HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा जो है एड्स का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका भी याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। अब देखिए अब बात कर लेते हैं क्या कारण है एड्स होने के। तो देखिए अगर आप जो नशीले पदार्थ का सेवन करिएगा या फिर यौन संबंध से जो है यह जो है रोग होता है,
और बात करें कि यह रोग होने से होता क्या है शरीर में, तो देखिए यह जब रोग होगा तो उस व्यक्ति में जो है क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है कम हो जाता है और उसके खून का संचार जो है बंद हो जाता है और शरीर फूलने लगता है और धीरे धीरे जो है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। निश्चित है कि मृत्यु हो जाती है, हालांकि अभी जो कुछ इसका जो उपचार आ गया है जैसे कि AZT दवा कारगर साबित हो रहा है और साइक्लोस्पोरिन और रिबावायरिन और अल्फा इंटरफेरॉन दवा के प्रयोग से जो है इसे जो है ठीक किया जा सकता है। हम देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, यानी कि अंधा जो है थोड़ा जो दिखने में जो उसको जो है कठिनाई होती है, क्योंकि बोल रहा है कि क्यों जो है होता है, तो स्त्री से तुलना कर रहा है। देखिए स्त्री में क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो यही जो है इसी के कारण जो स्त्रियों में जो एक्स क्रोमोजोम होते हैं उसी के कारण जो क्या होता है, पुरुष की अगर तुलना करें तो पुरुष में जो है अधिक वर्णांधता जो है होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनुसुलिन। और इनुसुलिन के बारे में हम सारे जो है विस्तार पूर्वक हम बता दिए हैं ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि का जो टॉपिक हुआ था कल टेस्ट नंबर 38, आप उसमें जाके देखिए इंसुलिन के बारे में जो विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते आगे, अब नवा क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है, जैसे कि आप लोग बाजार से जो चावल लाते हैं उसमें कुछ चावल होते हैं जिसमें जो है पॉलिश किया होता है, वही बोल रहा है कि जब आप पॉलिश किया हुआ चावल खाइएगा तो आप में कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए इससे जो बेरी बेरी का जो है रोग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बेरी बेरी के बारे में, तो देखिए बेरी बेरी जो होता है वह जो विटामिन B1 की कमी से होता है, क्या होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर बात करें विटामिन B1 का नाम क्या है रासायनिक, इसका नाम है थायमिन, क्या है थायमिन, और यहीं से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में इसका रासायनिक नाम बताइए, तो आपको जो याद रखना जितने भी जो विटामिन है उसका जो रासायनिक नाम आपको याद रखना है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं बेरी बेरी जो है इसका मुख्य स्रोत क्या है, किससे प्राप्ति होती है इस विटामिन की, तो देखिए यह जो गाजर गेहूँ चावल और दूध से प्राप्ति होती है, इसके अलावा जो समुद्री भोजन सोयाबीन साबुत अन्न हरी सब्जियां और मटर और अंडा की जर्दी से भी जो इसकी प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कि बेरी बेरी विटामिन घुलनशील है, हाँ देखिए हम बताए थे क्या बताए थे कि घुलनशील विटामिन कौन कौन है, विटामिन बी और सी, और यहाँ पर विटामिन B1 है, मतलब जो है हाँ यह जल में जो है घुलनशील है। अगर बात करें इससे कौन सा रोग होता है, तो देखिए इस बेरी बेरी के रोग में क्या होता है, तो हृदय की गति जो है बंद हो जाती है, तो यही जो है इसमें जो एक खतरा है। अब देखिए दसवां नंबर का क्वेश्चन है, ओंकोजीन संबंधित है, बोल रहा है कि ओंकोजीन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कर्क रोग। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कर्क रोग, देखिए कर्क रोग किससे कहा जाता है, तो कैंसर को ही जो है कर्क रोग कहा जाता है। और अगर बात करें कैंसर के बारे में, तो देखिए कैंसर किसे कहा जाता है, तो कभी कभी क्या होता है शरीर के कुछ कोशिकाएं, आप देखिए होंगे किसी व्यक्ति के शरीर पे उसके त्वचा जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वही बोल रहा है कि कभी कभी शरीर के कुछ कोशिका अन्य कोशिका की अपेक्षा जो है अधिक तीव्रता से और नियंत्रित तरीके से विभाजित हो जाती है, तो उससे आप क्या कह सकते हैं, तो उसे जो है आप ट्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर का रूप ले लेता है, और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो कैंसर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कैंसर जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे त्वचा हो गया, स्तन कैंसर, मस्तिष्क कैंसर और गर्भाशय कैंसर, और इन कैंसर का नाम है क्या नाम है, तो इन सारे कैंसर को जो है कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। अगर किसी के रक्त कैंसर हो गया है, पेशिया और उपास्थि में कैंसर, चाहे अस्थियों में यानी कि हड्डियों में कैंसर हो गया, तो उसे जो है सार्कोमा नाम से जाना जाता है। अगर अस्थि मज्जा पलीहा यकृत में जो है कैंसर हो गया है, तो उसे जो है लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा जो है ल्यूकेमिया भी जो है एक कैंसर होता है। अब बात कर लेते हैं कि कैंसर जब रोग है तो कौन सी चीज़ का जो प्रयोग जो है आप उपचार में करते हैं, तो यहाँ पर जो है देखिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, और 60 के द्वारा क्या कराया जाता है, इससे जो है किरण निकाला जाता है, रे निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित जो है कैंसर से संबंधित जो सरकार जो है कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, तो देखिए कैंसर से संबंधित जो सरकार जो है 1975 में जो है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण जो है कार्यक्रम जो है चलाए।
इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है, तो आपको विस्तार से बताए देते और उसमें बताए थे कि विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आयोडीन। और इसी जो है हम कल के जो है वीडियो जो है 38 नंबर जो है वीडियो, उसमें जो है विस्तारपूर्वक जो है बताए हुए हैं। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को यानी कि चमड़े को जो स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वही बोल रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विटामिन सी। अब देखिए अब विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड देगा या नहीं तो एस्कॉर्बिक अम्ल दे देगा। अब देखिए इसका सूत्र होता है C6H8O6। क्या होता है, C6H8O6। और बात करें कि जल में घुलनशील होता है, तो बताए थे कि बी और सी जो विटामिन हुआ जो जल में घुलनशील होता है, इसलिए यह जो है जल में घुलनशील होगा। और इसकी कमी से कौन सी रोग होता है, तो इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है। और अगर बात करें कि यह विटामिन जो है सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो यह जो है खट्टे फलों में जैसे चीकू, आंवला, और आंवला में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, टमाटर, अंकुरित अनाज में जो विटामिन सी जो है पाए जाते हैं। हम देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी तुरंत ही बताए, क्या बताए, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? मतलब क्या, दूध में कौन सा चीज जो है नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, अगर डालेंगे तो दूध फट ही जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, विटामिन के। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो देखिए विटामिन के का रासायनिक सूत्र होता है फिलोक्यूबिलोन। क्या होता है, फिलोक्यूबिलोन। और अगर बात करें कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, तो इसकी प्राप्ति जो टमाटर, पनीर और पत्तेदार सब्जी से जो प्राप्ति होगी। और इसलिए यह जरूरी होता है क्योंकि अगर ब्लड अगर जमेगा नहीं, अगर पैर कट जाता है तो सारा ब्लड शरीर से निकल जाता है, तो अगर शरीर से सारा ब्लड निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए जो यह जो है विटामिन जो शरीर में जो बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, विटामिन B12। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन B12 का? तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। और अगर बात करें कि यह जो है किसकी सहायता करती है, देखिए यह जो है रक्त की उत्पत्ति में जो सहायक होती है। और इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है अरक्तता रोग हो जाता है। और अगर बात करें इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, विटामिन B12 की, तो देखिए विटामिन B12 की प्राप्ति जो है मांस, कलेजी और दूध से जो है होती है। अब बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अब 19 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मतलब बोल रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। यकृत मतलब क्या, लीवर। और लीवर से जो है रिलेटेड जो है हम जो है विस्तारपूर्वक जो है पिछले वीडियो में, 2-3 दिन पहले की वीडियो में जो हम जो है बता दिए हुए हैं श्वसन तंत्र से संबंधित चैप्टर में। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यह जो क्वेश्चन जो मिस्टेक से जो गलत हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ ही देते हैं। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है? तो देखिए किस विटामिन को जो अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विटामिन D2 को जो है अर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो आप ही देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है सारे के सारे जो सुमेलित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉन हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, बोल रहे हैं कि किसका जो 80% जो है पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए प्रोटीन जो है जीवित पदार्थ में जो है 80% प्रोटीन जो है पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? इसका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वसा। वसा के बारे में तो हम तो बता ही दिए हुए हैं। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, बोला कि इसके अलावा जो कौन सा चीज़ जो है सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम दूध में जो पाया जाता है,
कैल्शियम और पोटेशियम। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ दिया है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त बताने के लिए, तो इसलिए जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिए और उसके अलावा जो और बचते थे उसे जो है बता दिए। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, अलसी किसका जो है प्रचुर स्रोत होता है। देखिए अलसी जो है इससे जो तेल बनता है आप शायद जानते होंगे, तीसी जिसे कहा जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, बोला कि इसमें कौन चीज़ का जो है ऑप्शन के अनुसार जो है अभाव होता है, तो देखिए लोहा का अभाव होता है। क्यों, तो देखिए लोहा जो है आयरन जो है हरे पत्तीदार में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बोल रहा है कि विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो देखिए दूध जो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विटामिन वी। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो किससे होता है ऊतकों का निर्माण, तो प्रोटीन से होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रोटीन। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि इसमें जो कौन सा जो है मिलान जो है नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर देखिए आप सी नंबर के ऑप्शन में विटामिन डी, इसमें क्या लिखा है वर्णाढ्यता, क्या विटामिन डी की कमी से वर्णाढ्यता रोग होता है, तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है जो कि सूखा रोग जिसे कहा जाता है, इसलिए यह जो है गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी वही बोल रहा है, इसमें आप चेक कीजिए सी नंबर का ऑप्शन विटामिन ए, बोल रहा है विटामिन ए की कमी से जो गठिया रोग होता है, क्या यह बात सही है, नहीं गलत है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, और इसके लिए जो गाजर खाइए आप ठीक करने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, तो हम क्या बताए थे बी और सी जो जल में घुलनशील होता है, और इसमें यही पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन के अनुसार घुलनशील है, तो बी नंबर का ऑप्शन देखिए विटामिन सी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यही। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, बोले किस में संचित रहता है, तो देखिए यकृत में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, बोल रहा है किसका जो सामान्य नाम है कैल्सिफेरॉल, तो विटामिन डी का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 37 नंबर का क्वेश्चन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव को भरने में कौन सा सहायक विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है घाव को भरने में जो सहायक होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, बोल रहा कौन सी सब्जियों में जो है सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, आपको कन्फ्यूजन है सी, तो देखिए मिर्च में जो है सबसे ज्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, सेब जो है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों, यह किसका स्रोत है, तो यह जो है केवल पोटेशियम का स्रोत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं, तो हम बताए थे कि विटामिन जो है कार्बनिक होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कार्बनिक। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होता है, बोल रहा है कि किसमें जो है यह जो बीमारी होता है, यह जो है फुफूंद से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा फुफूंद। और यह जो है खास तौर पर जो है उंगलियों के बीच में जो होता है, आप देखे होंगे कि उंगलियों के बीच में जो है घाव की तरह हो जाता है, जैसे लगता है कि कट गया है, तो यह जो है कौन से चीज़ से होता है, तो यह जो है फफूंद से होता है, तो आपको याद जो है रखना है। और आप इसके अलावा जो है आप पशुओं में भी जो है यह जो है रोग जो है आप देखे होंगे, जितने भी क्वेश्चन थे 41 क्वेश्चन उषण से विटामिन से और रोग से सारे को जो इसमें जो डिस्कस कर दिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।